और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। 3 अगस्त को स्कूल बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। केजी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षा सचिव ने निर्देश जारी किया है। बता दें कि बारिश के कारण स्कूल बंद रखने का ये निर्देश दिया गया, तो 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच स्कूलों को बंद रखने का निर्देश शिक्षा सचिव ने ये निर्देश जारी किया है। बारिश के कारण स्कूल बंद रहेंगे। देखिए, झारखंड के सभी जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है और इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राजधानी रांची में तो आलम यह है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। शहर के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर तक पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने 35 लोगों का रेस्क्यू किया है और उन सबको बाहर निकाला गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है, लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। और ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, और ये जो इलाका है राजधानी रांची का, वो इलाका है जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं। ये पॉश इलाकों में से एक है और वहां की ऐसी तस्वीरें कई सारे सवाल तो खड़े करती है, लेकिन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा चुकी है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। वैसे लोग जो पानी में फंसे हुए हैं, जो अपने घर में वाटर लॉगिंग की वजह से कैद हो गए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया गया एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। ये 3 तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे पानी का जो लेवल है वो तो ज्यादा है ही, बहाव भी काफी तेज है। और ऐसे में राजधानी रांची में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है, साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। तो राजधानी रांची में पानी की मनमानी जमकर देखने को मिल रही है। आसमान से बरस रहा पानी जमीन पर धारा के रूप में बह रही है। रांची के डिबडी पुल के पास अलकापुरी में घर के अंदर नदी की धारा बह रही है। पानी का करंट इतना ज्यादा है कि कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी मुश्किल हो गया है। घर के कमरे और किचन के सामान तैरते नजर आ रहे हैं। अलकापुरी के रहने वाले 12 परिवार की नींद पानी ने पूरी तरह उड़ा रखी है। पानी के खिलाफ जंग लड़ रहे 12 परिवार से बात की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची को आज नींद नहीं आने वाली। आसमान से बरस रहा पानी और धरती पर पानी का